हेलो एवरीवन। सो आज वीडियो इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाएंगे कि जैसे हमने यूवी और आईआर के अंदर समझा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लैम्डा मैक्सिमम और आईआर बैंड रिस्पेक्टिवली वेव नंबर, इसी तरीके से एनएमआर के अंदर भी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन केमिकल शिफ्ट दैट इज द डेल्टा बैंड। बेसिकली तीन फैक्टर है। नंबर वन जो है दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसकी इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड वन इज द मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी जिसको हम बोलते हैं स्पेस इफेक्ट। इन तीन में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि हमने आपको समझाया कि जब आपके कार्बन हाइड्रोजन रहते हैं अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है उसके साथ तो उसके जो प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है और उस वजह से क्या होगा कि आपका जो सिग्नल रहेगा वो जाएगा डाउन फील्ड में। तो जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चेंज होते जाएंगे, अब दो पॉसिबिलिटी आती है। नंबर वन कि अगर आपके एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का आपके पास पूरा एक ग्रुप है, अब वन बाय वन उस ग्रुप आप एटम्स को रिप्लेस कर रहे हो तो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजेस, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट हाई होती जाएगी और उस वजह से आपका एनएमआर सिग्नल जो होगा वो डाउन फील्ड में जाएगा। तो हमने यहाँ पे 17th ग्रुप का लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे FClBrI, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन 17th ग्रुप है। डाउन द पीरियोडिक टेबल हम जाते हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। सेम वे में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्लोरीन रहता है वो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसी ग्रुप के अंदर की बात करें आयोडीन जो रहता है वीकेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो अगर आपके पास CH3F फ्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन है, ब्रोमोइथेन है, आयोडोइथेन है, चार मॉलिक्यूल है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यूज को। यू आर गेटिंग अ 4.6 डेल्टा वैल्यू फॉर फ्लोरोमीथेन, 3.04 क्लोरोमीथेन, 2.18 फॉर ब्रोमो, 2.16 फॉर आयोडो। तो अगर हम चार की डिस्कशन अब चार का कंपेरिजन करें तो हमें पता चलेगा कि जो फ्लोरिन का है वो सिग्नल काफी हायर डेल्टा वैल्यू पे है इसलिए ये जाएगा डाउन फील्ड के अंदर। जबकि हम बात करेंगे आयोडीन की तो उसकी वैल्यू कंपेयर टू फ्लोरीन दैट इज 2.16 ऑफ फील्ड में डेल्टा वैल्यू स्मॉलर है तो सिग्नल गया ऑफ फील्ड के अंदर। वैसे अगर मैं बात करूँ अगर इथेन मॉलिक्यूल है CH3CH3 ये, फिर हम बात करें CH3CN साइनोमीथेन है और सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करें मीथेन और CH2OH। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से आइटम ये देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये हमने एक डाउन द ग्रुप की बात की। अब मैं ये पीरियड की बात कर रहा हूँ तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड देन कम्पेयर टू कार्बन। तो जो आपका इथेन मॉलिक्यूल रहेगा ये मुझे सिग्नल मिलेगा ऑफ फील्ड के अंदर। साइनोइथेन साइनोमीथेन रहेगा वो मॉडरेट रहेगा जबकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो जाएगा डाउन फील्ड के अंदर। तो एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। अब दूसरा कंसेप्ट ये रहता है कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेम रहता है बट उसके नंबर्स इंक्रीज होते हैं, जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है मीथेन मॉलिक्यूल का क्लोरीनेशन हैलोजिनेशन आपने किया होगा मीथेन में से क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन में से डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन में से क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में से कार्बन टेट्राक्लोर CCl4। तो मैंने ये चीज यहाँ पे मेंशन की CHCl3 CH2Cl2 एंड CH3Cl। तो जैसे जैसे एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे जैसे आपके कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे आपका सिग्नल जो जाएगा वो डाउन फील्ड में मूव होगा। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म की आप वैल्यू देखो 7.24, अब CH2Cl2 5.28 हो गया डेल्टा वैल्यू डिक्रीज हुई, CH3Cl डेल्टा वैल्यू और डिक्रीज हुई 3। तो यहाँ पे देखो आप क्लोरीन के एटम्स क्लोरोफॉर्म फर्स्ट के अंदर 3 है, सेकेंड के अंदर 2 है एंड थर्ड के अंदर सिर्फ 1 ही है। तो एज द क्लोरीन एटम इज डिक्रीजिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की संख्या डिक्रीज हुई सिग्नल जो गया वो डाउन फील्ड से अप फील्ड की ओर मूव हुआ शिफ्ट हुआ। तो इसी को हम दूसरी तरीके से भी ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन के नंबर्स इंक्रीज होते हैं मतलब कि आपकी मिथिलीन ग्रुप की जो चेन रहती है वो इंक्रीज होती है तो सिग्नल जाता है ऑफ फील्ड में चाहे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेम हो। ये रहा उसका एग्जांपल CH3F फ्लोरोमीथेन इज दैट, अब यहाँ पे फ्लोरोइथेन तो देखो एक ग्रुप ऐड कर दिया CH2 तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज हुई। अब क्या होगा ये फ्लोरीन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट जो रहेगा डायरेक्ट इस कार्बन के ऊपर जाएगा
जबकि यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्लोरीन एटम है वो इस CH2 के ऊपर हाईली इफेक्टिव होगा और उसकी इफेक्ट मिथाइल कार्बन के ऊपर कम हो जाएगी। तो इस वजह से कंपैरेटिवली हम देखने जाए तो आपका जो क्लोरो फ्लोरो इथेन है वो डाउन फील्ड में जा सॉरी अप फील्ड में जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी काफी ज्यादा है, जबकि फ्लोरोमीथेन के अंदर सिर्फ एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ज्यादा हो रही है, प्रोटोन की कम हो रही है उसके साइड, तो इस वजह से डाउन फील्ड में चला गया सिग्नल, दैट इज 4.26। ये बात की क्या आपके मॉलिक्यूल के अंदर CH3 इंक्रीज होना, सेम वे में अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के नंबर सेम कार्बन के ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होना, तो ये आपको एग्जांपल ये दिया है कि ये बेंजीन है, बेंजीन का मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, यहां पे टोलुइन डाल दिया मैंने, तो बेंजीन की मुझे 7 अराउंड पीक मिलेगी, डेल्टा वैल्यू मिलती है, टोलुइन की उससे कम, क्यों? क्योंकि एक कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई। दूसरी की बात करें हम आगे, नेक्स्ट सेकंड मॉलिक्यूल की बात करें तो ये देखो कौन सा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप मैंने ऐड कर दिया, 12 कार्बन सॉरी 12 प्रोटॉन, तो और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब ये रहता है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जाएंगे ऑन सेम कार्बन, तो जो आपका प्रोटॉन रहेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो मोर एंड मोर शील्डेड होता जाएगा, शील्डेड होगा, उसका मतलब क्या होगा कि आपका जो सिग्नल हो जाएगा ऑफ फील्ड के अंदर। तो ये जो पूरा डिस्कशन था फर्स्ट फैक्टर के अंदर ही था, अब हम सेकेंड फैक्टर आपको समझाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है दो टाइप के रहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एंड इंटर मॉलिक्यूल। तो इंट्रा मॉलिक्यूल जो मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है NMR स्पेक्ट्रम को, डेल्टा वैल्यू को कुछ इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया मैंने कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल नॉट अफेक्ट मेजरली, मतलब वो काफी हद तक उसको उतना ज्यादा चेंज नहीं करता है डेल्टा वैल्यू को। बट इंटर मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या रहता है कि सेम मॉलिक्यूल हो सके, मतलब दो मॉलिक्यूल होंगे। अब इसको समझो आप कि अगर आपका एक मॉलिक्यूल है वो आपको एक NMR स्पेक्ट्रम दे रहा है, आपका दूसरा मॉलिक्यूल उसका भी एक NMR पीक है, उसकी दोनों की डेल्टा वैल्यू है, बट जब दोनों को जोड़ देंगे हम, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, जब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा। तो देखो ये मॉलिक्यूल के ऊपर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है, इस मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा है, तो अब दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये जो मॉलिक्यूल था उसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई हाइड्रोजन की। तो जैसे आपके इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, आपका सिग्नल जो होगा वो डाउन फील्ड में जाएगा, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। सेकेंड थिंग, जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, आपके पास सैंपल ऐसे है जिसके पास हाइड्रोजन है फ्री वाले और दूसरा जो सॉल्वेंट है वहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ज्यादा है, तो अगर आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट आपका कंसंट्रेटेड होगा, तो वो मोर एंड मोर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये लिखा हुआ है जैसे जैसे आपके सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, उसकी जो टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वो भी इंक्रीज होती जाएगी, और वो इंटर मॉलिक्यूल की हम बात करें, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होता जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर, तो आपका सिग्नल डाउन फील्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम जब ऐसा होता है तो हम डायल्यूटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं। डायल्यूटेड सॉल्यूशन यूज करना मतलब कि वहां पे हमने जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है उसकी टेंडेंसी, उसकी जो रिएक्टिविटी है प्री प्रोटोन के साथ रिएक्ट करने की, वो उसको हमने कम कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका पिक जो रहता है वो ऑफ फील्ड के अंदर, मतलब उतना ज्यादा ऑफ फील्ड में नहीं जाता है, बट हाँ इट विल मूव टू द ऑफ फील्ड कम्पेयर टू दिस वन। एंड द थर्ड फैक्टर जो रहता है दैट इज द मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी जो हमने अभी अभी, मतलब आपको मैंने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर ही समझाया कि स्पेस इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपका मॉलिक्यूल स्पेस के अंदर किस तरीके से अरेंज हुआ है। सेकंड थिंग, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम, तो अपने पास तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं कार्बन के, sp3, sp2 एंड sp। अब वही बात आती है मैग्नेटिक आइसोट्रॉपी के अंदर कि आपका मॉलिक्यूल कैसे अरेंज है, चाहे वो sp3 कार्बन, sp2 या sp हो। तो जनरली ऐसा देखा गया जब sp3 कार्बन रहता है उसको, उसकी डेल्टा वैल्यू जो रहती है वो काफी लोअर रहती है, मतलब ऐसे sp3 कार्बन वाले जो प्रोटॉन्स रहते हैं वो मेजरली अप फील्ड में रहते हैं, नियर अबाउट 0.9 समथिंग। जब हम बात करते हैं sp2 कार्बन, मतलब पाई बॉन्डेड कार्बन की बात करें, तो ये जो वैल्यूज आती है 5-8 के बीच में हो सकती है। ये सभी मेजरली sp2 कार्बन वाले जितने भी मॉलिक्यूल रहते हैं वो नॉन लीनियर रहते हैं,
और ये जितने भी sp2 मॉलिक्यूल वाले रहेंगे वो सब हो जाएंगे डीशील्डेड, क्योंकि इनकी अरेंजमेंट ऐसी होगी दे विल बी परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उनकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इट विल बी सपोर्टिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिकल इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो अपोज होता जाएगा। इसलिए हमने आपको डीशील्डिंग के अंदर समझाया था, वो वाला वीडियो ऐसा होगा समझ लेना एक बार उसके अंदर शील्डिंग डीशील्डिंग के अंदर। और जब हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp के अंदर खास तौर पे इसकी अरेंजमेंट वो काफी मैटर करती है। अगर वो पैरेलल डायरेक्शन में हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये जो उसकी डेल्टा वैल्यू होगी sp2 से कम हो जाएगी, सो इट विल बी नियर अबाउट 3। डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कौन सा है, मैं अभी यहाँ पे जनरल वे में लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से ट्रेंड रहेगा, sp3 ऑफिड में होगा, उसके बाद जाएगा sp कार्बन का, उसके बाद जाएगा sp2 कार्बन का। तो ये पूरा जो रहता है उसको बोलते हैं स्पेस इफेक्ट, मतलब कि आपके प्रोटॉन्स किस तरीके से अरेंज है एनवायरमेंट के अंदर वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इतने सारे फैक्टर्स, मतलब ये 3 फैक्टर हैं जो हमें समझने थे और उसमें से भी फर्स्ट वन था। तो यहाँ पे अभी हम ये कंसेप्ट खत्म कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन केमिकल शिफ्ट। अब जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझ रहे हैं दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज अ स्प्लिटिंग। मतलब कि अपना जो थर्ड, जैसे हम फर्स्ट एनिमा स्पेक्ट्रम के ऊपर से हमें पता चल गया कि हाँ हम नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, सेकंड कि हमने ये समझ लिया पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या है। अब जो थर्ड है दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल जिसका दूसरा नाम है स्पिन कपलिंग, स्पिन कपलिंग। इसको अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाहूँ तो मैं ये समझा सकता हूँ कि अगर आपके पास कार्बन प्रोटोन कंटेनिंग कार्बन है और उसी के पास दूसरा भी प्रोटोन कंटेनिंग कार्बन है, तो हमें सिग्नल मिलेंगे वो जितने भी प्रोटोन होंगे पर्टिकुलर हर एक कार्बन के ऊपर जितने भी प्रोटोन होंगे उससे प्लस वन। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का नाम लिख रहा हूँ, दिस इज CH3CH2Br, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है CH3CH2Br, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने टाइप के प्रोटोन आपको मिलेंगे, तो आपका आंसर आ गया जो हमने नंबर ऑफ सिग्नल के ऊपर कैलकुलेट किया जेट HAB, मतलब 3HA एक NMR सिग्नल, 3HB एक NMR सिग्नल, टोटल आपको मिलेंगे 2 NMR सिग्नल। बट अब एज पर द स्प्लिटिंग रूल, जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है, सो ईच कार्बन, हर एक कार्बन अपने एडजेसेंट कार्बन को प्रोटॉन्स को स्प्लिट करेगा, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो उसको स्प्लिट करेंगे। किस तरीके से मैं आपको बोल दूं, यहाँ पे एक्चुअल आफ्टर स्प्लिटिंग ये जो सिग्नल है वो चेंज हो जाएंगे एंड इट विल बी 7। You will get total 7 NMR signals from this molecule. किस तरीके से, मैंने आपको क्या बोला था, जस्ट अप्लाई N+1 रूल। तो ये N=1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर, 3, N+1 3+1 4, 2+1 3 4+3=7। अब ये आपको स्प्लिटिंग समझना है किस तरीके से होता है। तो वन बाय वन दोनों प्रोटॉन्स जो रहेंगे वो स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले हम ये आपको कह रहे हैं कि ये जो ए कार्बन है दैट इज अ CH3 मिथाइल ग्रुप, वो बी कार्बन के प्रोटॉन को स्प्लिट करेगा, वो स्प्लिट करेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज अ CH3 प्रो कार्बन अनकपल्ड कार्बन, ऐसा लिखेंगे हम अनकपल्ड ग्रुप। अब ये जो रहेगा वो किसको स्प्लिट करेगा, CH2 को। अब आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो CH2 है उसके पास कितने प्रोटॉन्स है, 2, उसके पास 2 प्रोटॉन्स है। तो 2 प्रोटॉन मतलब हमने स्पिन समझा था किस तरीके से रहता है, स्पिन करेंगे हम दोनों प्रोटॉन का तो सेम डायरेक्शन। यहां पे मैं नंबरिंग कर देता हूं, खास तौर पे ध्यान देना थोड़ा, नंबरिंग करता हूं, जैसे ये प्रोटॉन हुआ नंबर 1 और ये प्रोटॉन हुआ नंबर 2। अब दोनों प्रोटॉन एक ही डायरेक्शन में दैट इज प्लस हाफ, अब दोनों प्रोटॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में गए,
माइनस वन हाफ, ये दो पॉसिबिलिटी हुई। जब स्पिन होता है प्रोटॉन तो कितने 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 मतलब दोनों प्रोटॉन की बात करेंगे हम, ऐसा नहीं कि वन बाय वन, दोनों प्रोटॉन जब स्पिन होंगे तो वो कौन कौन सी वैल्यूज के अंदर स्पिन हो सकते हैं, उनके पास तीन वैल्यू रहती है, दो वैल्यू, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। मतलब जब दो की बात करें तो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, जब हम दोनों की बात करें तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे। अब यहाँ पे दो है तो जीरो वैल्यू का भी चांसेस रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाली हमें वैल्यू मिल सकती है जिसके अंदर एक प्रोटॉन प्लस वन डायरेक्शन में होगा, दूसरा प्रोटॉन माइनस वन हाफ स्पिन वाला होगा। तो ये प्रोटॉन वन हुआ और ये प्रोटॉन टू, प्रोटॉन वन प्लस वन हाफ, प्रोटॉन टू माइनस वन हाफ। सेम पॉसिबिलिटी, प्रोटॉन वन माइनस वन हाफ, प्रोटॉन टू प्लस वन हाफ। तो ये देखो कि यहाँ पे हमने क्यों ऐसा स्लैश करके बोला सेम पॉसिबिलिटी। अल्टीमेट स्पिन देखो, यहाँ पे क्या होगा वैल्यू प्लस वन, यहाँ पे क्या होगी माइनस वन, बट यहाँ पे क्या होगी एक जीरो और ये भी जीरो। तो मतलब आपको सेम वैल्यू के ऊपर दो सिग्नल मिल सकते हैं, बट फर्क इतना है कि एक प्रोटॉन पॉजिटिव स्पिन है, दूसरा प्रोटॉन नेगेटिव स्पिन है। जो प्रोटॉन पॉजिटिव स्पिन था दैट इज प्रोटॉन वन, दूसरी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि नेगेटिव स्पिन करता है, और प्रोटॉन टू जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव कर रहा है। तो उनकी जो स्ट्रेंथ आ रही है मैग्नेटिक एनएमआर के अंदर डेल्टा वैल्यू की, वो सेम आ रही है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं जो इंटेंसिटी जो रेशियो हम बोलते हैं, यहाँ पे हमें कितने सिग्नल मिले वन, यहाँ पे कितने मिले वन, यहाँ पे कितने मिले एक्चुअल में टू। तो ये जो आया दैट इज कॉल्ड अ रेशियो इंटेंसिटी। तो आपको एनएमआर के अंदर ऐसा स्पेक्ट्रम मिलेगा। इंटेंसिटी कैसे मिलेगी, वन इससे डबल, क्योंकि दो पीक एक ही इंटेंसिटी वैल्यू के ऊपर आएंगे, एक ही एनएम डेल्टा वैल्यू के ऊपर आएंगे। सो ये हुआ आपका वन इज टू, टू इज टू, वन एनएमआर स्पेक्ट्रम। ये हुआ आपका वन इज टू, टू इज टू, वन। ऐसे एनएमआर स्पेक्ट्रम के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि आपका सेम डेल्टा वैल्यू के ऊपर दो तीन पीक मर चुके हैं। अगर दो है तो हम ये कहेंगे आपको सेम एनएमआर वैल्यू के ऊपर दो पिक मर्ज हो चुके हैं सेम, क्योंकि पॉसिबिलिटी अलग अलग है। तो ये हमने बात किसके लिए समझाई, जब CH3 प्रोटॉन CH2 को स्प्लिट कर रहा है। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन कर दूं और बता दूं यहाँ पे Br, ठीक है, तो क्या होगा, कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन। तो अब एक प्रोटॉन की मैं पॉसिबिलिटी यहाँ पे उसको स्प्लिट करूं तो हमें एक प्रोटॉन की कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगी, सिर्फ दो। आइदर एक प्रोटॉन है तो वो या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे रेशियो देखो 1:1, तो आपको जो एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलेगा दोनों की इंटेंसिटी सेम मिलेगी। बस फर्क ये रहता है ऑफ फील्ड डाउन फील्ड, दोनों में से एक ऑफ फील्ड में रहेगा, दोनों में से एक डाउन फील्ड में रहेगा। एनर्जी किसकी कम है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, तो प्लस वन आपकी, तो वो जाएगा आपका ऑफ फील्ड में कंपेयर टू दिस वन। तो ये मैंने बात की आपको एक प्रोटॉन के लिए भी। अब सेम तौर पे अब हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। नाउ CH2 विल स्प्लिट अ CH3। अब देखो CH3 ने स्प्लिट कर दिया CH2 को, अब CH2 स्प्लिट करेगा CH3 को। तो यहां पे हम चेंज कर लेते हैं दैट हियर इट विल बी CH2 प्रोटॉन, और जो स्प्लिटिंग होगी वो किसकी होगी, CH3 की। तो कितने प्रोटॉन हैं यहां पे आपके पास, तीन प्रोटॉन। तो तीन प्रोटॉन का मतलब आपके पास तीन सिग्नल्स आएंगे, तीन सिग्नल्स इन द सेंस तीन एरोस, एरोस की भाषा समझते तो ऐसे समझ लो, थ्री प्रोटॉन्स तो तीन सिग्नल्स 1 2 3। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना जरूरी रहेगा, अगर यहाँ पे मैं नंबर लग रहा हूँ 1 2 3 प्रोटॉन्स, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि तीनों के तीनों नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे 1 2 एंड 3, प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो आप बोल सकते हो तीन में से 1 2 में 3 में से दो पॉजिटिव स्पिन रहेंगे एक नेगेटिव होगा। मैं जनरल वे में बोल रहा हूं, तीन प्रोटॉन में से दो प्रोटॉन पॉजिटिव स्पिन करेंगे एक प्रोटॉन नेगेटिव स्पिन करेगा। तो अल्टीमेट पोजिशन क्या होगी आपकी, प्लस हाफ जितनी वैल्यू रहेगी, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए हम थोड़ी इसकी एनर्जी कम करेंगे और बढ़ाएंगे कंपेयर टू दिस वन। तो अब देखो पॉसिबिलिटी क्या होगी, आपके पास कितने प्रोटॉन है, तीन प्रोटॉन है, तो तीन पॉसिबिलिटी अलग अलग है। कैसे, जैसे प्रोटॉन वन पॉजिटिव,
टू पॉजिटिव थ्री नेगेटिव। दूसरी पॉसिबिलिटी प्रोटॉन वन पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्री पॉजिटिव। तीसरी पॉसिबिलिटी प्रोटॉन वन नेगेटिव टू एंड थ्री पॉजिटिव। तो देख सकते हैं यहां पे आपका जो स्पिन रहेगा दैट विल बी थ्री बाई टू प्लस इट विल बी माइनस थ्री बाई टू। ये क्या हो गया प्लस वन बाई टू। कैलकुलेट करो ये प्लस वन ऑफ माइनस वन ऑफ जीरो हो गया प्लस वन ऑफ बचा। तो ये मैंने क्या समझाया आपको कि तीन प्रोटोन है आपके पास, दो पॉजिटिव स्पिन रहेंगे एक नेगेटिव स्पिन रहेगा, तो उसमें भी कौन सा प्रोटोन रहेगा हमें पता नहीं चलता है। तो आप देखो सेम डेल्टा वैल्यू के ऊपर थ्री टाइम्स हायर इंटेंस स्पेक्ट्रा मिलेगा कंपेयर टू दिस वन। अब सेम टू सेम ऐसे अप्लाई होगा, दो प्रोटोन नेगेटिव स्पिन वाले होंगे एंड थर्ड प्रोटोन पॉजिटिव स्पिन वाला होगा। तो उसकी अब किस तरीके से होगी, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका पूरा मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट टू प्रोटॉन नेगेटिव स्पिन, सेकंड थर्ड प्रोटॉन पॉजिटिव स्पिन। प्रोटॉन नंबर वन नेगेटिव, टू पॉजिटिव, थ्री नेगेटिव। प्रोटॉन नंबर थ्री थर्ड पॉसिबिलिटी प्रोटॉन नंबर वन पॉजिटिव एंड टू एंड थ्री विल बी नेगेटिव। तो यहां पे हम कहेंगे माइनस वन बाई टू। जीरो पे आ सकता है क्योंकि ऑड नंबर है, एक ही संख्या है, तो जीरो तो नहीं आ सकती यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आपको हायर मतलब अब रेशियो निकालो यहाँ पे, तो वन थ्री थ्री एंड वन। तो हम स्पेक्ट्रा किस तरीके से बोलेंगे आपको, जब सी एच थ्री प्रोटोन रहता है तो उसका जो एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलेगा उसकी इंटेंसिटी का रेशियो ऐसा होगा वन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन। और मुझे इसका एनएमआर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना हो तो मुझे एनएमआर स्पेक्ट्रम ऐसा मिलेगा कि ये मेरा वन इंटेंसिटी, अब थ्री टाइम्स हायर इंटेंसिटी, थ्री टाइम्स हायर अगेन एंड वन। क्यों दो बार थ्री आ रहा है, तो ये इंटेंसिटी हुई आपकी आई, ये भी डेल्टा वैल्यू। तो ये जो आपका प्रोटॉन था उसकी डेल्टा वैल्यू सेम रहती तीन पॉसिबिलिटी, इसलिए सेम डेल्टा वैल्यू के ऊपर थ्री टाइम्स हायर इंटेंस एनएमआर पीक मिला। तो अल्टीमेटली आपको जब स्प्लिटिंग रूल अप्लाई करना है तो आपको हमेशा n प्लस वन रूल अप्लाई करने का, और यहाँ पे n इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपके पास जीरो प्रोटॉन है, जीरो प्रोटॉन मतलब क्या होगा कि वहां पे फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तो हम कह सकते हैं जीरो प्रोटॉन। जीरो प्रोटॉन्स मतलब इसकी बात कर रहे हो, कार्बन यहाँ पे भी हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तब स्प्लिटिंग होगा। अब आप बोलो कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन है, स्प्लिटिंग नहीं होगा जीरो प्रोटॉन, तो आपको एनएमआर सिग्नल तो मिलेगा एज पर दिस एन प्लस वन रूल। जब आपके पास जीरो प्रोटॉन है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जीरो प्लस वन, तो व्हाट विल बी योर एनएमआर सिग्नल वन, इसको हम बोलेंगे सिंगलेट। जब आपके पास एक प्रोटॉन है नंबर ऑफ प्रोटॉन एक, तो कितने सिग्नल मिलेंगे वन प्लस वन टू, तो इसको हम बोलेंगे डबलेट। जब आपके पास दो प्रोटोन आए तो यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ सिग्नल मिलेंगे थ्री, एन प्लस वन रूल के अकॉर्डिंगली, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट। ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जब आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो। व्हेन थ्री प्रोटॉन्स आर देयर देन द नंबर ऑफ सिग्नल्स आर फोर, इट विल बी क्वार्टेट। और जब चार प्रोटोन होंगे, मतलब अब चार प्रोटोन किस तरीके से होते हैं, हम सी एच फोर नहीं होंगे उस टाइम पे, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी सी एच टू ट्वाइस, मतलब सी एच सी एच टू CH2। और यहाँ पे कुछ और हो सकती है सेकेंड पॉसिबिलिटी CH3 CH CH ऐसा होगा, मतलब ये कार्बन है CH2 कार्बन। अब कब आपको स्प्लिटिंग करनी है, मतलब यहाँ पे ये देखना, जब ऐसा सेंटर वाला कार्बन आता है जिसके दोनों साइड प्रोटॉन्स रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 प्लस 1 रूल अप्लाई करो यहाँ पे 1 प्लस 1 रूल, नो। जब सेंटर वाला कार्बन आता है जिसके दोनों साइड कार्बन प्रेजेंट है, दोनों के पास प्रोटॉन है, तो दोनों प्रोटॉन का पहले ऐड करो, तो थ्री एंड वन तो हो जाएंगे टोटल फोर। फिर वहां पे एन प्लस वन रूल अप्लाई करो और फिर देखो यहाँ पे मिलेगा आपको क्विनेट और पेंटेट। आप समझ रहे हो चीज किस तरीके से होगा। अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर लिखता हूं यहाँ पे कि सी सी एच थ्री सी एच थ्री और यहाँ पे मैं लिखू सी एच एंड ओ एच, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि मुझे यहाँ पे चार एंड चार आठ एनएमआर सिग्नल मिलेंगे, सो नो आठ नहीं मिलेंगे, मुझे मिलेंगे कितने सेवन एनएमआर सिग्नल, क्योंकि तीन प्रोटॉन है दोनों साइड,
थ्री प्लस थ्री मतलब सिक्स, सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। तो सिक्स प्रोटॉन्स के ऊपर हम एन प्लस वन रूल अप्लाई करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि कितने एक्चुअल में एनएमआर सिग्नल मिलते हैं। तो ये पूरा स्प्लिटिंग वाला था, जो हम एग्जांपल्स भी करेंगे एनएमआर के, उसके ऊपर से थोड़ा आपको और ज्यादा आइडिया आएगा। तो आज के वीडियो में के लिए अंदर इतना ही, थैंक यू।